नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान से हड़कंप मचा हुआ है। उनके बयान से प्रदेश में विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस के एक पूर्व नेता ने कहा कि अखिलेश यादव गोरखपुर मंदिर पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं क्या, क्योंकि उनका हालिया बयान बाबर, औरंगजेब या तैमूर के बयानों जैसा है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता व कल्कि धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि जिस तरह से बाबर, तैमूर और मोहम्मद गजनवी ने हिंदुओं के मठों और मंदिरों को नष्ट कर दिया, वैसे ही भावना अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव द्वारा ये कहना कि वह सारे बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे, तो क्या ये धमकी है कि सपा प्रमुख गोरखनाथ मंदिर को तोड़ देंगे? ये वही अखिलेश है जिनकी सरकार में निहत्ते राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होना तय है, इससे देश की राजनीति भी प्रभावित होगी। बीजेपी की सरकार में निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। 2027 में सपा की सरकार बनते ही पूरे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। वहीं सीएम योगी ने सपा मुखिया पर हमला करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग होना चाहिए, सबका हाथ उस पर सेट नहीं हो सकता। जिसके अंदर बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, वही उसे चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले वैसे ही बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा होना चाहिए। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गोरखनाथ मंदिर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही बयान दिया है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर खलबली मची हुई है। उधर योगी सरकार ने भी सपा नेता पर निशाना साधा है और योगी सरकार ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा होना चाहिए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी से। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।